हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश मणि पीएम क्विजिन में आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही चटपटी और हेल्थी रेसिपी जिसका नाम है रवा ढोकला सैंडविच। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे एक कप रवा या सूजी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। हम इसमें पानी उतना डालेंगे कि हमारी सूजी पानी में अच्छे से भीग जाए पूरी तरह से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी सूजी पानी में भीग चुकी है। अब सूजी को गलने के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसके ऊपर डालेंगे और इसको इसी तरह से हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ढोकले के लिए एक प्लेट को ग्रीस करके रेडी कर लेते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमारी सूजी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये गल चुकी है और अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 1/8 चम्मच टार्ट्रिक। सोडे और टार्ट्रिक के बाद इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे हमारा बैटर अच्छा फूला फूला सा बनेगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर कितना फ्लफी बन गया है। अब ये रेडी है। इसको हम हमारी ग्रीस्ड ट्रे में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारी प्लेट स्टीम होने के लिए रेडी है। हमारा स्टीमर भी रेडी है। हम इस प्लेट को स्टीमर में रख देंगे स्टीम होने के लिए। हम धीरे से ढोकले की प्लेट को स्टीमर में रखेंगे और उसका लीड बंद कर देंगे। इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। हम दूसरे बर्नर पर हमारे सैंडविच की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन को गरम कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा। इनको हम तड़कने देंगे। इनके तड़कने के बाद इसमें हम डालेंगे आधी हरी मिर्च, बारीक कट की हुई हरी मिर्च है, और एक छोटा प्याज। इसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। हम प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा टमाटर बारीक कट किया हुआ। 5 सेकेंड के लिए हम टमाटर को थोड़ा चला लेंगे। इसके बाद इसमें हम हमारे डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया, ये है 1/4 चम्मच से भी कम गरम मसाला और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे हम। टमाटर को इस तरह से मैश करते हुए इन मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये सारी सब्जियां डालेंगे। ये हमारी बीन्स है, ये 2 टेबलस्पून के आसपास बीन्स है। ये आलू लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक कट की हुई, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लिए पत्ता गोभी, इसको भी बारीक कट कर लिया है। हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून गाजर जिसको हमने किसने में किस कर लिया है, और हमने यहाँ पर लिया है खीरा ककड़ी, इसको भी हमने किसने में किस कर लिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस पर हम डालेंगे थोड़ा पानी और इसको ढक करके पकने के लिए हम रख देंगे। हम सब्जी को पकने देते हैं और इधर हम हमारा ढोकला चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नाइफ एकदम क्लियर निकला है, इसका मतलब हमारा ढोकला पक चुका है। इसको हम स्टीमर से निकाल लेंगे। अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इस ढोकले को प्लेट में से निकालेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी भी पक चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हम ढोकले को इस तरह से प्लेट में से निकालेंगे। पहले चारों तरफ से चक्कू की सहायता से स्क्रैप कर लेंगे, फिर बीच में एक मार्क बनाएंगे और चक्कू की सहायता से सारी किनारों को इस तरह से हम छुड़ा लेंगे। ये देखिए जिससे हमारा ढोकला आसानी से प्लेट में से निकल जाएगा। हम उस साइड को भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसको हम कुल्छी की मदद से निकालेंगे। ये देखिए ये कितनी आसानी से पूरा ढोकला बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी निकाल लेंगे। हमने पूरा ढोकला निकाल लिया है और एक साइड को उल्टा कर दिया है। इस उल्टी वाली साइड पर हम डालेंगे टमेटो सॉस।
इसको चक्कू की सहायता से फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब टमेटो सॉस के ऊपर हम डालेंगे हमारी वो वेजीज जो हमने पका कर रखी हैं, हमारी सैंडविच की स्टफिंग, इसको हम डालेंगे। हम स्टफिंग को ढोकले के ऊपर डालकर स्पेटुला से दबाते हुए इसको अरेंज कर देंगे। हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेते जाएंगे और ढोकले के ऊपर अरेंज करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम रवे ढोकले के दूसरे वाले पार्ट को भी ले लेंगे, इसको हम टर्न करेंगे और नीचे वाली साइड पर अप्लाई करेंगे टमेटो सॉस। ये देखिए इस तरह से। अब हम रवे ढोकले के दूसरे पार्ट से पहले पार्ट को कवर कर देंगे जिसके ऊपर हमने वेजीज रखी हुई है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम स्लाइटली प्रेस कर देंगे जेंटली। ये देखिए हमारा ढोकला सैंडविच। अब इसको हम पीसेस में कट करेंगे, एक शार्प नाइफ लेंगे और उसको हम पीसेस में कट करेंगे। आप चाहे तो नाइफ को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं ताकि हमारे पीसेस एकदम स्मूथ बने। ये देखिए इस तरह से हमने पीसेस में कट कर लिया है। अब इन पर हम लगाएंगे थोड़ा तड़का राई और जीरे का। इसके लिए हम एक तवे को गर्म कर लेते हैं। इसके ऊपर डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा। इनको हम तड़कने देंगे। राई और जीरे को पूरे तवे में फैला देंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे हमारा ढोकला सैंडविच। ये देखिए इस तरह से हम इनको अरेंज कर देंगे। जब हमारा ये ढोकला सैंडविच थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, नीचे से लाइट ब्राउन, तो उसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए हम सारे ढोकला सैंडविच को टर्न कर देते हैं। ये देखिए हमने सारे ढोकला सैंडविच को एक साइड से टर्न कर दिया है। थोड़ी देर बाद हम नीचे से भी चेक कर लेते हैं कि दूसरी साइड भी हो गई है। ये देखिए ये भी लाइट ब्राउन हो चुकी है। इनको हम निकाल लेते हैं। हमने ढोकला सैंडविच को तवे से निकाल लिया है, इसको हम धनिये से गार्निश करेंगे। अब हमारा यमी और हेल्थी रवा ढोकला सैंडविच एकदम रेडी है। थैंक यू।